हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स थर्ड का। तो आज हम एस्टेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एस्टेट एस्टेट क्या है? हमारा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। हरियाणा टीचर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो देखो, हर जो हमारा एस्टेट है वो हर साल क्या है, कंडक्ट कराया जाता है बाय बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली जो कंडक्ट होता है, ये होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, ठीक है। नवंबर और दिसंबर के टाइम कंडक्ट होता है, और फॉर्म भरने का जो समय है इसका, वो है सेप्टेम्बर या अक्टूबर में। सेप्टेम्बर या अक्टूबर में आते हैं हमारे फॉर्म्स फॉर्म्स और विद इन 1 month, और विद इन 1 month हमारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, ठीक है। और देखो, इसमें काफी जल्दी रिजल्ट आता है, ठीक है। एग्जाम जैसे ही कंडक्ट होता है, विद इन 1 day आपके आंसर की आ जाती है, आंसर की। और इसके बाद विद इन 15 to 20 days आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट, ठीक है। अब देखो, एसटेट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो एसटेट के, देखो जैसे आप सबको पता है कि सब्जेक्टिव वैकेंसी आई है हरियाणा में पीजीटी की, फिजिक्स की, जिसमें सब्जेक्टिव पेपर है सेकंड स्टेज पे और फर्स्ट स्टेज पे स्क्रीनिंग है। लेकिन उसके लिए सबसे जो मेन एलिजिबिलिटी है वो है हमारी एसटेट, ठीक है। देखो हरियाणा में क्या है, देखो आप सबको पता है कि हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। पीजीटी की वैकेंसी जो कि 400+ पोस्ट पे है, ठीक है। और देखो जो डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग जो टोटल एसटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है हरियाणा में, वो भी 500 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एसटेट और कोस्ट लगभग सेम है, ठीक है। तो ये इतने कम कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो एसटेट फिजिक्स का एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना क्या है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, हार्डवर्क चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नीड्स हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क क्यों चाहिए यहाँ पे, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन देखो, अब जो वाला एस्टेट होगा, एस्टेट दिसंबर में 2024, वैसे जो हरियाणा बोर्ड ने इसको, जो अपनी वर्क इनके ईयरली जो मैगजीन आती है उसमें बोला है कि अक्टूबर 2024 में कराएंगे, ठीक है। तो कभी भी हो सकता है, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में से तो कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है। लेकिन ये एस्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है 2024 वाला, क्योंकि हरियाणा का जो पास्ट है वो हमेशा बताता है कि जो इलेक्शन टाइम पे वैकेंसी आती है उसको हमेशा रीएडवर्टाइज किया जाता है आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। तो ये जो पीजीटी वाली वैकेंसी है, इसको भी पूरे पूरे चांसेस है कि इलेक्शन के बाद इसको रीएडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट से देखते आ रहे हैं हम। और देखो, अगर रीएडवर्टाइज नहीं भी किया तो भी एस्टेट को निकालने का नुकसान तो नहीं है ना। देखो एस्टेट को अगर निकाल लिया आपने, तो उसका देखो बेनिफिट ही है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पीजीटी वैकेंसी में बैठने की। और अगर सपोज करो रीएडवर्टाइज नहीं किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो देखो अब एस्टेट के पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो एस्टेट का पैटर्न है हमारा, देखो इसमें क्या है, आपके सामने 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके पास जो टाइम है वो भी है 150 मिनट्स, 150 मिनट्स आपके पास है टाइम इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपना, क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे है। देखो जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो आता है यहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी से, चाइल्ड पेडागोजी, पेडागोजी से, ठीक है। जो नेक्स्ट 30 मार्क्स है वो है इंग्लिश प्लस हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और हिंदी से हमारे यहाँ से 15 क्वेश्चन, 15+15 30। जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है उसमें से देखो जो 20 क्वेश्चन है वो तो है रीजनिंग या एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन है वो है हमारे हरियाणा जीके से, हरियाणा जीके से, ठीक है। अब देखो जो रिमेनिंग, ये कितने हो गए यहां तक, यहां तक हो गए हमारे 90 क्वेश्चन। अब कितने बचे हैं 150 में से, अब 60 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे आएंगे, फिजिक्स से, फिजिक्स से आएंगे। अब ये फिजिक्स कहाँ तक आती है, ये आती है 11th 12th बी एस सी एंड
एमएससी तक की भी आ जाती है, लेकिन जो मेन है यहाँ पे वो है 11th 12th का। आपको बहुत अच्छे से डीप सिलेबस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जो 11th 12th का आपको बेसिक है वो आना चाहिए डीपली, ठीक है, डीपली आना चाहिए। और देखो एस्टेट को टफ क्या बनाता है, देखो जो फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं ना, हम देखो ये फैक्ट है कि हिंदी ग्रामर लगा लो या तो या इंग्लिश ग्रामर लगा लो, थोड़ा सा वीक होती है क्योंकि हम ज्यादा फिजिक्स पे ध्यान देते हैं ना, तो हिंदी ग्रामर यहाँ पे थोड़ा वीक रह जाती है। और देखो जो आउटर स्टेट्स के बच्चे हैं वो थोड़ा हरियाणा जीके में यहाँ पे वीक हो जाते हैं, ठीक है। देखो फिजिक्स के स्टूडेंट को ये जो 20 मार्क्स है रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाला माइंड है, रीजनिंग एप्टीट्यूड तो कर ही देता है, ठीक है। देखो एक और यहाँ पे जो चैलेंजिंग टास्क है, देखो 60 क्वेश्चन है आपके पास, 60 क्वेश्चन, और आपके पास टाइम कितना है, 60 मिनट। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, काफी आते हैं न्यूमेरिकल्स, और एक न्यूमेरिकल को करने के लिए आपके पास सिर्फ क्या है, 1 मिनट है, 1 मिनट। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग बनता है यहाँ पे कि 1 मिनट में 1 न्यूमेरिकल करना, ठीक है। और अच्छे खासे लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पे, यानी नीट लेवल के भी आ जाते हैं कभी कभी, तो मतलब काफी अच्छा पेपर का लेवल है यहाँ पे एस्टेट का, ठीक है। तो देखो इसको क्लियर करने के लिए आपको एक तो यहाँ पे 11th का और 12th का डीप सिलेबस करना पड़ेगा, डीप सिलेबस। और देखो यहाँ पे जो मेन बात है 11th 12th की, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी के अनसोल्ड होते हैं, अनसोल्ड और सोल्ड, ठीक है, क्योंकि 11th 12th पे एनसीईआरटी काफी मेन रहती है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमारा जो ये है थोड़ा सा एडवांस लेवल, नीट का लेवल लगा लो, ठीक है, नीट का लेवल, थोड़ा जेई मेंस तक का लेवल, ठीक है, ये इस लेवल के क्वेश्चन भी टच हुए हैं पास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गेट लेवल तक का एमएससी का सिलेबस, ठीक है, एमएससी का सिलेबस भी आया है, यहाँ तक क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि आप जितना अच्छे से फिजिक्स को करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि 11th 12th आपकी डीपली हो, ठीक है, आपका थोड़ा सा गेट लेवल तक का सिलेबस कवर अप हो, ठीक है, तो मतलब इसमें बेनिफिशियल रहेगा। देखो अगर 60 क्वेश्चंस में से आपने 40 क्वेश्चंस भी कर लिए ना यहाँ पे, तो ये काफी अच्छा स्कोर माना जाता है फिजिक्स में स्कोर करना, देखो, ठीक है। देखो बाकी 30 मार्क्स जो यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के हैं और हरियाणा जीके के मान लो, तो यहाँ से इजिली 15 मार्क्स स्कोर यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। देखो चाइल्ड पेडागोजी है अब यहाँ पे हमारी, चाइल्ड पेडागोजी देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है, और यहाँ पे इजिली आप यहाँ पे 25 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको ये डेली पढ़ना पड़ेगा। आप अपना अगर नियम बनाओ कि हमें सिर्फ 30 मिनट्स डेली पढ़ना है, 30 मिनट्स। देखो इसके लिए क्या है, यूट्यूब पे काफी फेमस चैनल्स हैं, आप सबको पता ही है इसके बारे में, कि जो चाइल्ड पेडागोजी को कवर अप कराते हैं, C4C टेट, 4 डिफरेंट स्टेट टेट्स, ठीक है, उनकी मैराथन वीडियोस होती है, मतलब जैसे 5 घंटे की, 10 घंटे की, ठीक है। आप अपना एक रूल बनाओ कि आपको 30 मिनट्स डेली देखना है, ठीक है, एग्जाम तक, ठीक है। आप मैराथन वीडियोस देखो तो आराम से यहाँ पे 25 तक स्कोर हो जाता है, ठीक है। अब देखो 25 यहाँ हो गए आपके, 40 फिजिक्स में हो गए, ठीक है, 15 यहाँ हो गए, और देखो इंग्लिश हिंदी ग्रामर है 30 मार्क्स की, ठीक है, यहाँ भी आप 15 मार्क्स आराम से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। देखो कुछ क्वेश्चंस तो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में कॉमन सेंस से भी सोल्व हो जाते हैं ना, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो कितने बन गए आपके यहाँ पे, देखो 40 प्लस यहाँ से हमारे 15 बनाए थे हमने, 15 प्लस यहाँ से 25, और यहाँ से कितने बनाए थे हमने, 15, है ना, 15, तो हमारे कितने हो गए, तो हमारे यहाँ पे 90 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। 15 15 30 30 और 40 कितने हो गए हमारे, 70। अच्छा 70 और 25 95 हो गए, तो है ना 95 मार्क्स हो जाते हैं अपने यहाँ पे। और देखो जो एसटेट की क्वालिफाइंग मार्क्स है एसटेट के लिए, वो है हमारे यहाँ पे 90 मार्क्स। देखो हमारे क्या है 90 मार्क्स, क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो जो हमारा 95 है तो वो तो ग्रेटर ही बना ना 90 से। तो देखो इसको आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग के बाद आता है हमारा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्टिव, देन हमारा इंटरव्यू। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है जब हमने पीजीटी के जो नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेज क्या है यहाँ पे, एस्टेट निकालना, जो कि अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी चाइल्ड पेडागोजी भी आती है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी ग्रामर भी आ गई है ना,
तो ये सब चीजें मिला के आपको थोड़ी सी एक तैयारी करनी पड़ेगी। देखो मेन यहाँ पे है फिजिक्स की तैयारी। देखो फिजिक्स में यहाँ पे 60 में से 40 लाना यहाँ पे चैलेंजिंग है। देखो सच में है ये चैलेंजिंग। जब आप जिस दिन आप पेपर में बैठोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्यों है चैलेंजिंग ये। क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत रोल प्ले करती है। आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 आपके पास मिनट्स है, ठीक है। और फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं 1 मिनट में, 1 न्यूमेरिकल, और अच्छा खासा लेवल भी आता है, ठीक है। और देखो हमारे जो नेट JRF का पेपर होता है, नेट JRF में क्या होता है, अगर पेपर आ गया टफ, अगर पेपर टफ आ गया तो क्या हो जाता है, कट ऑफ क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है ना। लेकिन ये जो हमारे SAT का पेपर है इसमें कट ऑफ भी हमारी कम नहीं होती। इसमें हमारा जो फिक्स क्राइटेरिया है वो है 90 मार्क्स का। तो आपने प्रीवियस ईयर डाटा देखा होगा यहाँ का SAT का। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप भी है PGT फिजिक्स के नाम से, आप सर्च करिएगा फिजिक्स थर्ड का PGT, ठीक है, इसके नाम से हमारा ग्रुप भी है। तो उसमें हमने डाटा डाला था कि कितने बच्चों को क्वालिफाई है। तो मतलब हर एक ईयर में जैसे सपोज 10 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, 12 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, और या फिर मैक्सिमम 40-50 इस तरह से क्वालिफाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पेपर लेवल कभी कभी टफ आ जाता है, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है वो है फिक्स 90 मार्क्स लेना। ये क्राइटेरिया कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। देखो एक ईयर में हमारा थोड़ा सा इजी पेपर आ गया, तो उस ईयर में 300 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन कभी कभी पेपर टफ आ जाता है तो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखो कितनी मतलब इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो जहां फिजिक्स में हरियाणा में SAT क्वालिफाई कर रहे हैं एक ईयर में सपोज करो 50 बच्चे, ठीक है, एक जस्ट आइडिया। तो वहां पे केमिस्ट्री और मैथ में करते हैं, केमिस्ट्री और मैथ में करते हैं वहां पे 1000+ बच्चे, ठीक है। तो फर्क देखो कितना है, फिजिक्स में 50 और यहाँ पे 1000+, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का पेपर ये थोड़ा सा टफ हो जाता है फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए। और देखो वैकेंसी देखो हरियाणा में कितनी है, 400+। इतने तो SAT भी क्वालिफाई नहीं है, SAT की टोटल 500 है। और इसमें से बहुत सारे बच्चे रिपीटेड हैं, या बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कहीं कहीं जॉब्स कर रहे हैं KVS NVS में, है ना, या वो पहले ही लग चुके हैं। तो इतने तो SAT भी क्वालिफाई नहीं है ना। तो जो SAT 2024 है वो अपने आप में ही एक गोल्डन चांस है, ठीक है। यह है गोल्डन चांस, गोल्डन चांस, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस है कि इसको वैकेंसी में शामिल किया जाएगा, वैकेंसी रीएडवर्टाइज होगी। देखो इसके बारे में कोई गारंटी नहीं बता सकता कि वैकेंसी रीएडवर्टाइज होगी या नहीं होगी। देखो इलेक्शन टाइम के बाद जनरली होती है वैकेंसी, हमेशा से होता है। देखो अगर नहीं भी होगी तो भी क्या है, अपना SAT क्वालिफाई हो जाएगा, अगर कभी वैकेंसी निकलेगी तो भर देना, ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसी एडवर्टाइज होगी और आपका SAT क्वालिफाई नहीं हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि 400 वैकेंसीज थी और यहाँ पे हमारा SAT ही क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। क्योंकि 400 वैकेंसी एक काफी अच्छा नंबर है जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता फिजिक्स में, ठीक है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए 400 वैकेंसीज के लिए, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। वैसे तो मुकेश सर जो फिजिक्स तड़का के ओनर है ये आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में अच्छे से बताएंगे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि SAT फिजिक्स का कोर्स हमने लॉन्च किया है फिजिक्स तड़का पे SAT के लिए, ठीक है। फीस भी काफी मिनिमम रखी है, आई थिंक 3600 फीस है। वैसे इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी मुकेश सर के बारे में, मुकेश सर अब बनाएंगे इस पे वीडियो, ठीक है। आप उसमें सब समझा देंगे आपको कि किस तरह से हम कोर्स में प्रोसीड करेंगे, किस तरह से कोर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक हमारा PGT फिजिक्स का कोर्स चला हुआ है, PGT फिजिक्स का, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था हमारा 5 अगस्त से, ठीक है, आज 6 अगस्त है, ठीक है, ये 5 अगस्त से शुरू हुआ था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेली लेक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये टारगेट कर रहा है हमारा KVS NVS और आने वाली AMRS वैकेंसी को, ठीक है। ये तीनों वैकेंसीज आने वाली है, इनको टारगेट कर रहा है, या फिर कोई भी स्टेट का कोई भी PGT का एग्जाम हो उसको भी ये टारगेट करेगा, ठीक है। PGT स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स, ठीक है। और जो बच्चा ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल्ड है PGT फिजिक्स वाले में, उसको अलग से कोई टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो PGT वाला कोर्स है इसमें ही आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी किसी भी स्टेट के टेट की, ठीक है। और अभी तो देखो CTET Level 3 आने की भी बात हो रही है ना, CTET Level 3 भी आने वाला है, CTET Level 3 जो NCTE की मीटिंग थी, NCTE की, ठीक है, उसमें इसको मंजूरी मिल गई है CTET Level 3 को। आने वाले शायद दिसंबर या अगले जो जून आएगा अपना, तो CTET Level 3 भी होने लगेगा। जब CTET Level 3 एलिजिबिलिटी बन जाएगा हमारे PGT पोस्ट के लिए KVS NVS और AMRS में, ठीक है, तब आपको ये क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा कि
इन वैकेंसीज में, केवीएस एनवीएस और ये हमारे एस वाली में, ठीक है। तो देखो ये अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि ये जो एग्जाम्स हैं हम इनको क्वालिफाई करें। देखो सबसे पहले तो देखो रेस में खड़े होना इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप रेस में खड़े ही नहीं हो तो आप रेस को जीतोगे कैसे, है ना। तो रेस को खड़े होने के लिए पहला स्टेप क्या है, आपके पास टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। देखो यहाँ पे जो टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम है आपके पास, वो क्वालिफाई होना चाहिए अपना, चाहे सी टेट आने वाला है, चाहे किसी के स्टेट का एग्जाम है, चाहे एस टेट है, ठीक है। और फिर आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर, ठीक है, कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्वालिफाई किए फिर आपको रिजेक्ट नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे 400 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं भर पा रहे हैं इसको, सिर्फ इस कारण से एस टेट क्वालिफाई नहीं है, देखो तो रिग्रेट तो होता है देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि 400 वैकेंसी है, इतने तो कैंडिडेट्स भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो सबका सबका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए मेरे को इतना ही बताना था, अपने एस टेट के बारे में डिस्कशन था, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपको, आप अच्छे से तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।